चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखो, इस चैप्टर में हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, अब उसके आगे का सम हम लोग कंटिन्यू करें, जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 आज हमें देखना है। तो इसमें आप लोग जो है वो टेक्स्ट बुक साथ में रखो, कि उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन रीड करें और देखें फिर उनमें कैसी एंट्रीज करनी है। कि जैसे क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 4:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31/3/17 वॉज एज अंडर, और बैलेंस शीट के नीचे जैसे लिखा हुआ है, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन अबाउ डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। दे डिसाइडेड टू कीप देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एट 3:1:1। ठीक है, तो देखो ए और बी दो पुराने पार्टनर थे, उनका पुराना रेशियो भी दिया हुआ है 4:1, और उन्होंने नए पार्टनर सी को एडमिशन दिया और उस नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, मतलब न्यू का पूरा रेशियो दिया हुआ है 3:1:1। बराबर ना? तो देखो इनके हम लोग सम शुरू करें, तो सबसे पहली चीज़ वो देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट के साथ क्या करंट अकाउंट भी बनाना है। तो हाँ बनाना है, इसमें देखो कैपिटल अकाउंट और साथ में करंट अकाउंट भी बनाना है ना? मतलब इसमें अब चार नहीं, इसमें 5 अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ से आपका नया शुरू हुआ ना, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी। तो जब कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना हो ना, तो खाली डिफरेंस एक चीज़ का ध्यान दिया करो, कि पहले कैसे सभी एंट्री हम लोग कैपिटल में करते थे, अब सब एंट्री हम लोग करंट अकाउंट में करेंगे। सभी एंट्री किस में करेंगे? करंट अकाउंट में। खाली कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्री होगी? स्टार्टिंग का बैलेंस, स्टार्टिंग का बैलेंस, और जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है ना, तो उसे कैपिटल में लिखते हैं। बस ये दो चीज़ें खाली कैपिटल में लिखी जाएगी, बाकी की सभी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो अब इसमें जैसे हम लोग अकाउंट बनाएं, तो इनमें सबसे पहले तो बनेगा वही रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद दूसरा आएगा, वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। छोटा सा ही अकाउंट बनाएंगे इसमें, 3-4 लाइन का सिर्फ, क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट में ए बी सी तीन पार्टनर के नाम लिखेंगे, उसमें सिर्फ स्टार्टिंग की एंट्री होगी और जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा उसकी एंट्री खाली इसमें, और कोई एंट्री इसमें नहीं। बराबर? उसके बाद करंट अकाउंट, यहाँ करंट अकाउंट में वैसे ही तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे ए बी सी। बराबर? और यहाँ करंट अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसमें सभी एंट्रीज इसमें ही आएगी ना। पार्टनर की कोई भी एंट्री करनी हो, जैसे कि गुडविल बांटना है, वो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बांटना होता है, या और कोई भी एंट्रीज होती है, वो सभी एंट्रीज यहाँ करंट अकाउंट में आएगी, कैपिटल में कोई भी नहीं। करंट अकाउंट के बाद दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के बाद आखिरी वैसे ही बैलेंस शीट। अब देखो अब यहाँ से हमें सब में 5-5 अकाउंट बनाने होंगे। बराबर ना? कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी हमें बनाना होगा। तो अब यहाँ समझना, अब इनके सम शुरू करें, सबसे पहले एडजस्टमेंट शुरुआत करें। तो यहाँ ऐसा दिया हुआ है कि सी विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल फॉर एज 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो जो है वो सी वो 20,000 कैपिटल में लेके आ रहा है, पहले तो उसकी एंट्री ना, गुडविल और वो सब भी ला रहा है, वो तो बाद में, पहले एक एक एंट्री करते हैं। कि सी 20,000 रुपीज कैश में लेके आ रहा है कैपिटल का, तो इसकी एंट्री कहाँ करते हैं? तो इसकी एंट्री करते हैं एक तो कैश के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में एक एंट्री करेंगे, और दूसरा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री करेंगे। बराबर ना? कैश के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में, ऐसे इनकी एंट्रीज होगी। तो देखो सबसे पहले कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और वहाँ नाम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सी लेके आ रहा है ना, तो सी कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपीस। और इनकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? तो दूसरी एंट्री जाएगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, कितना लिखेंगे? तो 20,000 रुपीस लिखेंगे। बराबर? ऐसे आ जाएगा ना, ये कैपिटल की एंट्री हो गई। उसके बाद दिया हुआ है कि ही ब्रिंग 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि उसकी गुडविल 5,000 की थी और वो 5,000 रुपये कैश में लेके आया है। तो इनमें कैसे करते हैं हम लोग गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं? कि अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो एक तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, याद है ना? अब इतने सम हो गए, अब तो एंट्री गुडविल की याद होनी चाहिए,
कि एक तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं कि वो 5,000 रुपये लेके आ रहे हैं, और दूसरी एंट्री करते हैं कि पुराने पार्टनर को ये 5,000 रुपये बांट देते हैं, पुराने पार्टनर को बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं? तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, जो भी गुडविल होती है वो पुराने पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दी जाएगी। बरोबर? तो देखो, अब सेक्रीफाइस रेशियो में जो उसे बांटेंगे ना, तो पहले सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा ना। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हमें सेक्रीफाइस मिल जाएगा ना वहाँ से। ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो आपको दिए हुए हैं। अगर न्यू रेशियो नहीं होता तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस मानकर उसमें बांट देते, लेकिन यहाँ तो न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो मतलब हमें पहले सेक्रीफाइस ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, हम लोग पहले यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन कर लें, या समझना कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे ढूंढें। कि इसमें जो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, उसमें उनका ओल्ड रेशियो अगर देखो तो आपकी टेक्स्ट बुक में ऊपर दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 4:1, तो 4:1 इनका ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो अगर देखो तो यहाँ न्यू रेशियो लिखा हुआ है 3:1:1। बरोबर? तो सेक्रीफाइस अगर फाइंड करें ना, सेक्रीफाइस की फार्मूला वही ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले ए का सेक्रीफाइस फाइंड करें, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 4। 4 और अपॉन में कितना? तो अपॉन में दोनों का टोटल 4+1 5, मतलब 4/5 माइनस उसका न्यू रेशियो कितना? तो न्यू रेशियो 3 है, 3 और अपॉन में कितना? तो 5, मतलब न्यू रेशियो आएगा 3/5, 4/5 माइनस 3/5, ऐसे ना। अब देखो यहाँ पे ये 5 5 इक्वली है, दोनों इक्वल है, मतलब ऊपर के जो है वो एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऊपर का माइनस होगा, मतलब ऊपर 4-3 और अपॉन में 5, तो 4-3 कितना होगा? 1 1/5, ये ए का सेक्रीफाइस। अब अगर बी का सेक्रीफाइस ढूंढो ना, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 1 1 और अपॉन में 5, मतलब कि 1/5। और न्यू रेशियो कितना है? तो न्यू रेशियो भी ये 1 और अपॉन में टोटल 5, 1/5। तो फिर 1/5 माइनस 1/5 0 हो गया, तो बी का कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ। बरोबर ना? बी का कोई सेक्रीफाइस नहीं। और सी का रेशियो तो वही लिखेंगे ना, 1/5, उसका कोई काम नहीं है, वो तो उसका से पार्ट दिया हुआ है 1/5। तो यहाँ पे समझो कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो जनरली पुराने सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा कि बी को पहले जितना प्रॉफिट मिलता था ना, अभी भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, उसे कोई सेक्रीफाइस नहीं। समझ आ रही है बात? तो हम लोग जो यहाँ पे गुडविल बांटनी है ना, या ध्यान से समझना कि जो 5,000 की गुडविल सी लेके आ रहा है, वो जो बांटते हैं वो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस में बांटते हैं। तो यहाँ बी तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है, मतलब 5,000 की पूरी गुडविल सिर्फ और सिर्फ ए को ही मिलेगी, उसको ही बांटी जाएगी, बी को ये गुडविल मिलेगी नहीं। जो सेक्रीफाइस करेगा तो उसी को ये गुडविल मिलेगी ना सेक्रीफाइस रेशियो में, तो उसका रेशियो तो 0 आया। बी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है, मतलब बी को गुडविल नहीं मिलेगी, गुडविल सिर्फ किसको मिलेगी? ए को मिलेगी। बरोबर? मतलब इनकी एंट्री कैसे करेंगे कि जो 5,000 की गुडविल है ना, तो वो कैश में लेके आ रहा है, तो एक तो कैश के डेबिट में लिखेंगे, और दूसरी एंट्री पार्टनर्स को बांट देते हैं। तो बांटना है मतलब कि ये 5 के 5,000 पूरे ही ए को दे देंगे, बी को कुछ भी नहीं देंगे, समझे ना। यहाँ पर लिखेंगे कि होल गुडविल ऑफ सी इज टेकन बाय ए, सी की पूरी गुडविल ए लेके जाएगा। तो देखो, इनकी पहली एंट्री करते हैं कि पहले कैश के डेबिट में जाएंगे, कि कैश के डेबिट में जाकर यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल, कितना लिखेंगे? 5,000 रुपीज़। ये इतना गुडविल आया, नई गुडविल है तो प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखते हैं ना, ये कैश में आया, और उसे करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट में नहीं, यहाँ पे कहाँ, करंट अकाउंट में बांटेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल की ही एंट्री होगी, बाकी सभी चीज़ें जो भी बांटनी है, जो भी और कुछ लिखना है, वो सभी चीज़ें करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो दूसरी एंट्री करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाके लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल सिर्फ ए में 5,000, क्योंकि सेक्रीफाइस के हिसाब से सिर्फ ए ने ही सेक्रीफाइस किया है, तो गुडविल का पूरा हिस्सा उसी को ही मिलेगा, बी को कुछ भी नहीं। बरोबर ना?
और ऐसा ही उसके उसके साथ ही फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि आउट ऑफ गुडविल हाफ अमाउंट इज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। भाई ओल्ड पार्टनर को जितनी भी मिली ना, अब यहाँ सिर्फ एक ही मिली है, तो उसे जितनी भी मिली उसका हाफ अमाउंट वो विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगा। मतलब यहाँ जो 5,000 मिली ना, उस 5,000 में से यहाँ डेबिट में लिखेंगे कि 2,500 वो पर्सनल यूज़ के लिए ले जाएगा, कैश में ले जाएगा ना। समझ आ रही है ना बात? आधी अमाउंट लिखी गई है तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी? यहीं पे ही, करंट अकाउंट के डेबिट में। तो देखो यहीं पे ही लिखेंगे कि कैश अकाउंट करके 2,500, यहाँ कैश अकाउंट 2,500 में लिखेंगे कि जो 5,000 उसे मिली थी उसमें से 2,500 वो लेके गया। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे? तो यहाँ पे करंट अकाउंट के डेबिट में लिखा ना कैश अकाउंट, तो दूसरा कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, वो पैसे ले जा रहा है तो कैश के क्रेडिट में लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं और वहाँ पे लिखेंगे इस कैपिटल अकाउंट 2,500, ए लेके जा रहा है ना, तो इसलिए ए कैपिटल अकाउंट, और सॉरी कैपिटल नहीं, यहाँ मेरी मिस्टेक हो गई कि यहाँ कैपिटल नहीं, यहाँ लिखा जाएगा करंट अकाउंट, क्योंकि उसे करंट में लिखा ना हमने, बरबर ना। सिर्फ ये पहली एंट्री जो वो सी कैपिटल में लेके आया था उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, बाकी की सभी एंट्री में करंट अकाउंट। तो ध्यान देना यहाँ करंट अकाउंट आएगा। ओके, तो देखो पहला एडजस्टमेंट हो गया, अब दूसरे एडजस्टमेंट में देखें। तो दूसरे एडजस्टमेंट में ऐसा दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्टॉक इज टू बी डिक्रीज बाय 5%। अब ये तो सिंपल एंट्री ना कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई और फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू 5% कम हो गई। तो एक एक करके एंट्री करें। पहले लैंड बिल्डिंग, तो ऊपर देखो बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग दी गई है 35,000, तो उसमें उसके 10% बढ़ जाएंगे। तो लैंड बिल्डिंग कहाँ पे लिखते हैं? वो लिखते हैं एसेट्स में, एसेट्स में ना। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाते हैं और वहाँ एसेट्स में लिखें ये लैंड बिल्डिंग 35,000 और उसमें प्लस इंक्रीज करेंगे 3,500, उसके 10%, मतलब 3,500, मतलब लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू हो गई 38,500 रुपीज़, बरोबर। और ये जो फ़ायदा हुआ, 3,500 वैल्यू बढ़ गई, ये फ़ायदा हुआ, तो इस फायदे की दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं? उसकी एंट्री जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। फ़ायदा हुआ तो क्रेडिट पे लिखते हैं ना, तो दूसरा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएं और वहाँ क्रेडिट में ये लिखें लैंड बिल्डिंग कितना, 3,500, बरोबर, लैंड बिल्डिंग में हो गया। अब दूसरा फर्नीचर का, कि फर्नीचर स्टॉक इनमें 5% कम हो रही है, तो पहले फर्नीचर में लिखें कि देखो फर्नीचर 30,000 का है और उसमें 5% कम हो रही है, तो ये फर्नीचर भी कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में ही ना। तो फिर से एसेट्स में जाते हैं और जहाँ लैंड बिल्डिंग लिखी उसके नीचे ही लिखेंगे अब फर्नीचर, कि फर्नीचर 30,000 का है और उसमें माइनस डिक्रीज करेंगे 1,500 में, 1,500 रुपये कम कर देंगे अब। तो 30,000 में से 1,500 रुपये कम करें तो अब कितना बचा हमारे पास? 28,500। फर्नीचर इतना बचा ना, 28,500, और ये जो 1,500 डिक्रीज हुए हैं, मतलब ये हमारा नुकसान हुआ ना, वैल्यू कम हो गई, ये हमारा नुकसान हुआ। और इस नुकसान की दूसरी एंट्री कहाँ करते हैं? तो इसकी दूसरी एंट्री करते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में। ये नुकसान हुआ ना, बिल्डिंग में फ़ायदा हुआ था तो वो क्रेडिट में लिखा था, ये नुकसान हुआ 1,500, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाते हैं और वहाँ पर लिखें डेबिट में ये फर्नीचर 1,500 रुपीज़ में, बरबर ना, ये नुकसान हुआ जो। अब इसके बाद फर्नीचर के पास स्टॉक, स्टॉक में भी 5% कम हो रहे हैं, तो स्टॉक कितने का है? तो स्टॉक दिया हुआ है 15,000 में, 15,000 में दिया हुआ ना स्टॉक, उसकी वैल्यू भी कम होगी, तो वो भी अब पहले एसेट्स में जाएंगे। तो एसेट्स में यहाँ फर्नीचर के साथ ही लिखे ना फिर नीचे स्टॉक, कि स्टॉक 15,000 का दिया हुआ है और उसमें माइनस डिक्रीज करें 750, 750 रुपये कम करेंगे, मतलब उसके 5%, 15,000 के 5%, 750 कम, तो अब वैल्यू हो गई 14,250। ओके, और ये भी जो 750 रुपीज़ का लॉस हुआ, वैल्यू कम हो गई ना स्टॉक की,
तो ये जो लॉस हुआ इसकी एंट्री भी कहाँ करते हैं, तो इस लॉस की एंट्री भी जाती है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, बरोबर ना। तो मतलब इनकी दूसरी एंट्री भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में करेंगे। लॉस हुआ इसीलिए कि ये स्टॉक कितना लॉस हुआ, तो 750 का जो लॉस हुआ वही लिखते हैं ना सिर्फ। ओके समझ आई अभी बात है? तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट हुआ ना, अब ऐसे ही थर्ड एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स, कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मतलब नई वैल्यू अब 35,000 है रिवैल्यूएशन के बाद जो नई वैल्यू मिलती है वो। तो देखो ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना लिखा हुआ है बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 25,000 का, अब उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 35,000, मतलब ये 10,000 का फायदा हो गया हमें इन्वेस्टमेंट में, बरोबर। जो लिखा हुआ ना विच इज़ टू बी शोन इन द बुक्स, मतलब इसमें बुक में हमें अब ये नई वैल्यू बतानी है 35,000 की, 10,000 का फायदा, बरोबर। तो इसे भी कहाँ लिखते हैं, इसे भी एसेट्स में ही लिखेंगे। तो फिर से बैलेंस शीट के एसेट्स में ही जाएं और वहाँ पर ही जहाँ स्टॉक भी लिखा था उसके साथ ही लिखें ये इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 25,000 प्लस इंक्रीज करेंगे 10,000, 10,000 बढ़ गए ना उसमें, तो बाहर लिखेंगे टोटल 35,000 रुपीस, बरोबर। तो ये 10,000 का फ़ायदा हो गया यहाँ पे, और ये जो 10,000 का फ़ायदा हो गया तो ये फ़ायदा हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसे लिखेंगे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बरोबर ना। ये फ़ायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएं और वहाँ पे लिखें ये इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीस, 10,000 का ये फ़ायदा, बरोबर। अब देखो ये जो हुआ तो उसके बाद फोर्थ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, देखो नंबर फोर एडजस्टमेंट के प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड एट 10% ऑन डेब्टर्स। क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इसका मतलब प्रोविजन मतलब बैड डेब्ट रिजर्व, कि यहाँ पर जो डेब्टर के ऊपर हमें रखना है ना 10% वो कितना बैड डेब्ट रिजर्व रखना है हमें। तो आपके बैलेंस शीट में देखो डेब्टर कितने दिए हुए हैं 5,500 और उसमें बैड डेब्ट रिजर्व पहले ही रखी हुई है, कितनी रखी हुई है 500 रुपये, तो पहले ही रखी हुई है, लेकिन हमें 10% रखना है। तो 10% मतलब डेप्टर 5,500 के हैं तो उसके 10% हो गए 550 रुपये, 10% मतलब कितने हो गए 550 रुपये हुए ना। तो मतलब बैड डेब्ट रिजर्व 500 रखी हुई है, हमें 550 करनी है, मतलब 50 रुपये बढ़ा देनी है उसमें। तो जो नुकसान भी होगा ना वो नुकसान सिर्फ कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये का। तो ये डेप्टर भी पहले तो कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो देखो एंट्री में पहले तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाते हैं और वहाँ एसेट्स में जाकर यहाँ पे लिखेंगे ये डेप्टर्स 5,500 के, ये 5,500 में बैड डेब्ट रिजर्व लिखेंगे उसका 550, बरोबर। इनके 10% हमें करने हैं तो 550 लिखेंगे, तो 5,500 में से 550 माइनस तो बचेगा 4,950। और ये जो 550 है ना ये है तो लॉस हमारा, तो ये लॉस जाता है रिवैल्यूएशन के डेबिट में, लेकिन इस 550 में से 500 तो हमारे पास ऑलरेडी थे, कि बैड डेब्ट रिजर्व कितना दिया हुआ था 500 रुपये, तो ऑलरेडी दिया हुआ था हमारा, बरोबर ना। तो वो जो अगर दिया हुआ था हमने किया 550 रुपये, तो नुकसान सिर्फ 50 रुपये का ही हुआ, हमने सिर्फ 50 रुपये ही बढ़ाए ना, 500 रुपये तो ऑलरेडी अलग किए हुए थे, हमने 550 अलग किए, मतलब खाली 50 रुपये हमने बढ़ाए। तो लॉस में जो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं ना लॉस, उस लॉस में सिर्फ 50 रुपये लिखेंगे, जितनी वैल्यू नई मिली उतनी ना, सिर्फ नई वैल्यू ही लिखते हैं ना हम लोग। तो देखो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएं और रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाकर वहाँ पर ये बैड डेब्ट रिजर्व लिख दें कितना 50 रुपीस, सिर्फ 50 रुपीस, बरोबर। तो देखो फोर्थ वाला एडजस्टमेंट हुआ ना, अब उसके बाद फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, कि फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट दिया हुआ है वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम इज एक्सेप्टेड 1,000 रुपीस। देखो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम, तो वो जो कंपेंसेशन रिजर्व रखते हैं ना कि अगर वर्कर्स को एक्सीडेंट हो जाए, जरूर पड़े या कुछ भी हो तो उनको पैसे दिए जाते हैं, तो वर्कर्स को 1,000 रुपये देने हैं और ऊपर हमने अलग करके कितने रखे हुए हैं बैलेंस शीट में, देखो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कितना है 5,000,
तो 5,000 में से 1,000 रुपये हमें वर्कर्स को देने हैं, और बाकी के 4,000 क्या करेंगे? तो बाकी के 4,000 वो उनको बांट देते हैं ना दो दो पार्टनर्स को। जनरली जो भी ये फंड ये रिजर्व वगैरह होता है तो वो सब तो बांट ही दिया जाता है ना पार्टनर को, जो वर्कर को देना है उतना दे देंगे, बाकी का बांट देंगे। तो देखो ये 5,000 रुपये ऊपर बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं, जिसमें से एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 1,000 रुपये हमें वर्कर्स को देने हैं, तो जितने देने हैं उतना हमें लायबिलिटी में लिखते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है तो उसमें लिखेंगे पहले। तो देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएं और वहाँ पे लिखें क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, जो भी नाम लिखो। कि यहाँ पे क्लेम लिखेंगे कितना क्लेम हुआ, तो 1,000 रुपीज़ का, ये इतना क्लेम, मतलब इतने हमें वर्कर्स को देने हैं, बराबर। और इतना अगर हम लोग उसको देंगे, बाकी के बचे 4,000 रुपये, वो 4,000 पार्टनर्स के करंट अकाउंट में पुराने पार्टनर्स को बांट देंगे। करंट अकाउंट में ही है जो भी बांटना है, अब तो अब कैपिटल में नहीं, तो करंट अकाउंट में हम लोग बांट देंगे। और कैसे बांटेंगे? तो ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, बरबर। कैसे बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितना है? 4:1। तो 4:1 में कैसे बांटते हैं? कि जो 4,000 हमारा बचा, 4,000 बचा ना, 5,000 में से 1,000 इसको दे दिए, बाकी का 4,000 बचा है। उस 4,000 को 4:1 में, मतलब एक बार 4/5 से, 4+1 5 हुआ ना, रेशियो में ऐसे ही बांटते हैं, अब तो ये हर सम में आएगा। और एक बार 1/5 करके बांटेंगे, तो ऐसे दोनों को मिल जाएगा ना। तो देखो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाए, करंट अकाउंट के क्रेडिट में, और वहाँ पे लिख दें ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या तो एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, जो भी नाम लिखो। कि वो रिजर्व दोनों को अगर बांट देना 4:1 में, तो मिलेगा इसको 3,200 ए को और इसको 800, बरोबर। ये दोनों को मिल गया ना, ठीक है। 4:1 में हमने इसको बांट दिया। अब उसके बाद है सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट। कि सिक्स्थ एडजस्टमेंट है कि डिसऑनर एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल इज 150 एंड बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 300 विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कि 150 जो है वो डिसऑनर्ड एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल, भाई कोई बिल रिसीवेबल जो है वो बिल कोई कैंसिल हुआ होगा, डिसऑनर्ड हुआ होगा, तो उसका खर्चा 150 रुपये, और 300 रुपये बैंक चार्जेस, ये पे कर दिए हैं लेकिन बुक में लिखना भूल गए हैं। तो बुक में इसकी एंट्री कहाँ करते हैं? तो इनकी एंट्री बुक में आती है कि एक तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, ये खर्चा है ना हमारा, बरोबर ना, भले पे कर दिया लेकिन लिखते तो वहाँ है ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में एक। और दूसरी एंट्री कहाँ पर? तो दूसरी एंट्री करते हैं हम लोग रीवैल्यूएशन के डेबिट में, ठीक है तो ये लॉस। अब देखो यहाँ पे कोई कोई जगह पर इनकी एंट्री ऐसे भी की गई है कि देखो है तो ये दोनों लॉस, 150 और 300 दोनों ही लॉस है, तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में तो कंपलसरी आएगा। दूसरी इनकी कोई एंट्री आपके टेक्स्टबुक में कोई जगह पे इनकी एंट्री बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी की गई है, और कोई एंट्री कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी की गई है, तो दोनों जगह पे कर सकते हो, आपका फाइनल बैलेंस शीट का टोटल करेक्ट ही बैठेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे कर दिया है, विच आर पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हमने पे कर दिया है, तो इसका मतलब कैश के क्रेडिट में लिखोगे तो भी चलेगा कि पे तो हो गया ना, लायबिलिटी में तो तब लिखते हैं कि जब बाकी हो तब, लेकिन जनरली रूल्स वाइज आपके ऑलमोस्ट ज़्यादातर सम्स में वो लायबिलिटी में ही लिखा हुआ है, तो इसलिए इसे लायबिलिटी में लिखोगे तो भी चलेगा, बरबर। रीवैल्यूएशन के डेबिट में तो लिखना है, वो तो पक्का। दूसरी एंट्री कैश के क्रेडिट में करोगे तो भी चलेगा कि कैश गया हमारा, नहीं तो लायबिलिटी में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फाइनल आंसर आपका करेक्ट बैठेगा, रॉन्ग नहीं आएगा। तो देखो इनकी एंट्री जो करें ना सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट की, तो पहली एंट्री हम लोग बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, बरोबर। मैंने यहाँ पे ही लिखा है बैलेंस शीट में, कैश में लिखोगे या तो भी चलेगा, कि बैलेंस शीट में दोनों साथ में लिख दिए कि डिसऑनर्ड एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, बरोबर। शॉर्ट में लिखा है मैंने डिसऑनर्ड एक्सपेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, वो 150 और ये बैंक चार्जेस 300, दोनों साथ में ही है ना एक ही एडजस्टमेंट में, तो एक यहाँ लायबिलिटी में। और दूसरी एंट्री करते हैं कहाँ पे?
रीवैल्यूएशन के डेबिट में, तो दूसरा जाए रीवैल्यूएशन में, और रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखें डिसऑनर्ड एक्सपेंस ऑफ बिल रिसीवेबल 150 एंड बैंक चार्जेस 300। बराबर हो गया इसमें सब, तो एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब क्या करें, तो अब ऊपर बैलेंस शीट में जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग कंप्लीट करें। तो देखो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट तो उसे तो कैपिटल में ही लिखेंगे ना। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे ये बाय बैलेंस करके। तो देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं और वहाँ पे ऊपर लिखें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, तो ए में 75,000 और बी में 25,000, इतना ही लिखेंगे ना, दोनों का इतना कैपिटल है। उसके बाद करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में भी ए और बी दिया हुआ है, तो उसे करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाके ऐसे ही लिखें बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं और वहाँ पे भी ये ऊपर लिखे हैं बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना बैलेंस लिखेंगे, तो ए में 8,000 रुपीज़ और बी में 2,000 रुपीज़, ऐसे दोनों का बैलेंस आ जाएगा ना। बरूबर ये दोनों हो गए। उसके बाद नीचे दिया हुआ वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, तो वो तो बांट दिया हमने। उसके बाद क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो क्रेडिटर कहाँ लिखते हैं, तो क्रेडिटर लिखते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएं और उसकी लायबिलिटी में यहाँ पे लिखें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कितने हैं, तो 4,000 रुपीज़। बरूबर उसके बाद है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल भी कहाँ आता है, यहीं पे ही ना, क्रेडिटर के साथ में ही आएगा, तो उसी के ही नीचे लिखें अब बिल्स पेबल्स, तो बिल्स पेबल 1,000 रुपीज़। ठीक है, लायबिलिटीज़ की एंट्रीज हो गई। अब जाएं एसेट्स में कि एसेट्स में कौन कौन सी एंट्री बाकी है, तो लैंड बिल्डिंग हो गया था, फर्नीचर भी कर दिया था हमने, इन्वेस्टमेंट की एंट्री भी हो गई, स्टॉक की एंट्री भी हो गई, डेप्टर्स की एंट्री भी हो गई, बिल रिसीवेबल बाकी है। तो बिल रिसीवेबल लिखेंगे कहाँ पे लिखेंगे, एसेट्स में ही ना, यहाँ जो डेप्टर्स हैं उनके साथ नीचे लिखें, तो इसके नीचे लिखें बिल्स रिसीवेबल के बिल्स रिसीवेबल कितने, 2,000 रुपीज़। बिल रिसीवेबल के बाद दूसरा दिया हुआ वो है कैश और बैंक अकाउंट, तो कैश बैंक 3,000, उसकी एंट्री कहाँ करते हैं, तो उसकी एंट्री कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के डेबिट में, ये स्टार्टिंग का बैलेंस लिखेंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ डेबिट में लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना, 3,000 रुपीज़। ठीक है ना, ये कैश और बैंक का बैलेंस भी हो गया। और उसके बाद है गुडविल, तो देखो एसेट्स में जो ये गुडविल दी गई है ये पुरानी गुडविल है, और पुरानी गुडविल को क्या करते हैं, तो पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं, पुराने रेशियो में ही बांटते हैं, बरबर ना। तो ये गुडविल वो बांट दी जाएगी करंट अकाउंट में, कैपिटल में कुछ नहीं करते, करंट अकाउंट में ही बांटते हैं। तो करंट अकाउंट के डेबिट में बांटेंगे, एसेट्स की कोई भी चीज़ें डेबिट में बांटते हैं। तो ये गुडविल है ना 5,000 की, वो 5,000 की गुडविल ओल्ड रेशियो कितना है, 4:1, तो 4:1 में बांट देंगे। 4 में बांटना हो तो मल्टीप्लाई 4/5 करके, और 1 में बांटना है तो मल्टीप्लाई 1/5 करके, ऐसे ये गुडविल बांट दी जाएगी। तो हम लोग अब जाएंगे करंट अकाउंट के डेबिट में, और यहाँ करंट अकाउंट के डेबिट में गुडविल लिखेंगे ए में 4,000 और बी में 1,000, ये 5,000 की गुडविल दोनों में बांट देंगे ना, 4,000 और 1,000 करके। बरोबर ये एंट्रीज भी सब हो गई, सब एंट्रीज क्लियर। तो अब जो है वो क्लोजिंग करेंगे, अब एक एक करके क्लोज करें। जैसे कि सबसे पहले क्लोज करेंगे वो आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ का टोटल ज़्यादा है, यहाँ पे कितना टोटल आ रहा है, तो 13,500 रुपये, 13,500, यहाँ का टोटल उतना ही टोटल पहले यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर ये 13,500 में से ये ऊपर की इतनी अमाउंट माइनस करेंगे हम लोग, ये सभी चीज़ें माइनस ना, तो 13,500 में से ये सब चीज़ें माइनस करें तो बचेगा कितना, 10,750 रुपीज़। ये जो 10,750 ये हमारा क्या कहलाया, डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ए और बी में बांट देंगे, ये दोनों पार्टनर्स को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे हम लोग, तो ओल्ड रेशियो में ही, बरबर ना। सिर्फ गुडविल होती है ना उसके लिए सेक्रीफाइस ढूंढते हैं, बाकी सभी चीज़ें ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तो ये ए और बी में दोनों को बांट दिया जाएगा,
10,750 को 4:5 में, मतलब एक बार 4/5 से मल्टीप्लाई करना तो मिलेगा ए को 8,600, और एक बार 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि बी को मिलेगा उसमें 2,150 रुपीज़। बराबर, ये दोनों को बांट दिया ना। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट को आगे कहाँ ले जाएंगे, तो इसको ले जाएंगे करंट अकाउंट में, अब कैपिटल में नहीं। अब करंट अकाउंट बना हुआ है तो सब वहीं पे ही लेके जाएंगे, तो अब इसको करंट अकाउंट में लेके जाएं। तो देखो, अब करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, रिवेल्यूशन के डेबिट में लिखा हुआ है, तो करंट के क्रेडिट में जाएंगे और वहाँ लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। कितना डिविजिबल प्रॉफिट, तो ए को मिलेगा 8,600 और बी को मिलेगा 2,150। बरोबर, अब ये करंट अकाउंट को क्लोज करें ये लिखकर, और फिर साथ में क्लोज ही कर देंगे। तो करंट अकाउंट में चेक किया करो किस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्योंकि करंट में कभी डेबिट में भी आता है टोटल ज़्यादा, कभी क्रेडिट में भी। बरोबर ना, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा होता है, लेकिन करंट अकाउंट में दोनों में हो सकता है, तो वो चेक करना पड़ेगा। इसमें क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है, पहले ए को देखो अगर, तो ए में क्रेडिट में टोटल ज़्यादा है इसका, तो इस साइड का टोटल आया 24,800, उतना ही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 24,800, और उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे, तो 24,800 में से ये दोनों माइनस करें तो बचेगा 18,300। ये बैलेंस बचा करंट अकाउंट का बैलेंस, उसे कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में ही ले जाएंगे ना, बैलेंस है। तो फिर बी को क्लोज करें, तो बी में इस साइड का टोटल आएगा 4,950 रुपीज़, और उतना ही टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे 4,950। बराबर, और इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो बचेगा 3,950 रुपीज़। बराबर, ये बैलेंस आया ना। अब सी में तो कोई एंट्री नहीं है। देखो, करंट अकाउंट मतलब कहते हैं कि भाई जो भी पार्टनर्स की पूरे साल में जो भी कामकाज हुए हैं वो। अब ये सी तो नया पार्टनर आया है, उसने तो उसका शुरुआत ही अभी है, तो करंट अकाउंट फिलहाल खाली है ना, इसमें कुछ भी नहीं। सी का करंट अकाउंट, नए पार्टनर का करंट अकाउंट ज़्यादातर खाली ही रहता है। हाँ, कभी कभी कोई एंट्रीज आएगी, कुछ एडजस्टमेंट होंगे जो आगे के सम्स में होंगे, इसमें खाली है तो कुछ भी नहीं करेंगे। अब ये जो ए और बी का बैलेंस हुआ ना, वो ए और बी का बैलेंस हम लोग कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ पे, तो लायबिलिटी में। अगर डेबिट साइड पे बचता है ना बैलेंस, तो लायबिलिटी में लेके जाते हैं। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता ना, तो वो एसेट्स में लेके जाते, तो इसे लायबिलिटी में ले जाएंगे। तो देखो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएं, और ऊपर जो जगह छोड़ी थी हमने, वहाँ पे अभी भी ऊपर थोड़ी जगह छोड़ कर, क्योंकि ऊपर तो कैपिटल अकाउंट आएगा ना, तीनों का कैपिटल अकाउंट आएगा, तो वो स्पेस छोड़ के यहाँ करंट अकाउंट लिखें ए और बी की वैल्यू। सी तो था नहीं इसमें, तो ए की वैल्यू 18,300 और बी की वैल्यू 3,950, तो दोनों का टोटल आ जाएगा 22,250 रुपीज़। बरोबर, ये करंट अकाउंट क्लोज हो गया। अब बचा कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, तो देखो कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, और अब कैपिटल अकाउंट में तो सीधी सीधी एंट्री है ना, उसमें तो इस साइड ही टोटल ज़्यादा होता है। तो पहले देखो, अगर ए को क्लोज करें तो यहाँ पे 75,000, तो यहाँ पे भी 75,000 लिखेंगे, ऊपर कुछ माइनस का तो होगा ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे भी 75,000 ही बैलेंस हुआ। बराबर, ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 25,000 टोटल आया बी में, तो वही टोटल यहाँ पर भी 25,000, और उतनी अमाउंट यहाँ पे भी लिख देंगे 25,000 रुपीज़। बराबर, फिर वैसे ही सी में देखेंगे कि सी में इस साइड का टोटल आया 20,000, तो यहाँ पर भी वही 20,000 और यहाँ पे भी वही अमाउंट। और ये जो तीनों का बैलेंस है, ये तीनों का बैलेंस वो कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो देखो, बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखें, और वहाँ पे लायबिलिटी में लिखते हैं कैपिटल अकाउंट करके ए बी सी तीनों का नाम लिखेंगे। बरबर, उसमें 75,000, इसमें 25 और इसमें 20,000, टोटल आएगा 1,20,000। कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया, करंट अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब आखिरी क्या बचा, तो आखिरी बचा कैश अकाउंट। इसमें कैश अकाउंट आखिरी में क्लोज करेंगे, तो
तो जो कैश अकाउंट बचा वो कैश हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे ना बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो हम लोग अब आखिरी कैश अकाउंट क्लोज करें। कैश में टोटल हमेशा डेबिट का ही ज़्यादा होता है, तो इस साइड का टोटल अगर देखो तो वो टोटल आया 28,000। इन तीनों का प्लस उतना ही टोटल यहाँ पे भी लिखा 28,000। और 28,000 में से ये ऊपर का 2,500 माइनस करें तो बचेगा कितना, 25,500 रुपीज़। इतना बचा ना, 25,500 बरोबर। और ये बैलेंस कहाँ लेके जाएंगे कैश का, तो कैश का ये बैलेंस जाएगा एसेट्स में। तो उसे अब हम लोग एसेट में लिखें बैलेंस शीट के एसेट में, और वहाँ पे आखिरी में लिखें ये कैश, कैश 25,500 रुपीज़ बरोबर। और फिर फाइनली अब इनका टोटल, अब ध्यान देना इनका टोटल, तो बैलेंस शीट में इस साइड का पूरा टोटल करें, तो इस साइड का टोटल करें 1,48,700 रुपीज़। और वैसे ही इस साइड का टोटल करें तो इस साइड का टोटल भी आएगा 1,48,700 रुपीज़। यह आया ना दोनों का टोटल। और ये जो दोनों का टोटल अगर सेम आया मतलब आपका आंसर करेक्ट है बरोबर। तो देखो यहाँ से आज हमने करंट अकाउंट कैसे बनाना है वो भी देख लिया ना। सिंपल एंट्री सी थी ना, सब जैसे कैपिटल में एंट्री करते थे सब वैसे ही करंट में एंट्री करनी है, कोई नए टॉपिक्स नहीं थे इसमें भी। ओके तो आज जैसे ये सम कंप्लीट किया, अब ऐसे ही इनके दूसरे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके थैंक यू।